कुंडी खोलो भाई। अरे मैं चौकी से हूँ, दरोगा जी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, मौजूद हैं सब लोग। अरे दरवाजा तो खोलिए आप। जी बताइए क्या समस्या है। क्या समस्या? गेट बोल रही है। कौन है आपके? ये हमारे कजन है। कजन है ये? सुबह शाम रात को आते हैं? कब आए? चोरी छुपे? कौन आए रात? डेली आते हैं ये। कौन डेली आते हैं? ये आपके कजन? जी नहीं। क्या नाम है कजिन का? राघवेंद्र। पूरा नाम बताइए। राघवेंद्र। पूरा नाम बताइए ना। राघवेंद्र सिंह। आगे क्या है? चंदेल। कजिन होता है यादवों का? हम तो यादव हैं, हमारा तो कोई कजिन चंदेल नहीं है। आप चंदेल कजिन हो गए यादवों के? वेरी गुड। आप डेली नाइट को आते हो? ये हमारी बीवी है, ये हमारी पत्नी है। शादी मैं किया हूँ इनसे, शादी हम किए हैं इनसे, आप आ रहे हो यहाँ पे डेली? हैं पता है आपके चक्कर में हम कितना परेशान है ना? कब की थी शादी? शादी हमने कब की थी? कब नहीं की थी वो सवाल नहीं, वो सबको पता है किसने कब की थी। कब की थी शादी? हमने अकेले बाहर से। तुमसे डाइवोर्स का इनसे मेरा केस चल रहा है बहुत दिन। हाँ, से मारपीट। डाइवोर्स कहाँ चल रहा है अभी? ठीक है, अभी डाइवोर्स कहाँ चल रहा है? 2020 से चल रहा है। 2020 से चल रहा है। इतनी सबकी वजह से मुझे फंसा दिया गया। कोई मैं रोकता टोकता था इन चीजों को तो मुझे फंसा दिया झूठे मुकदमे में। मैं पढ़ता हूँ 4 साल से, ये मौज मार रही है अपना। मैडम देखिए, ये लेजेंड वकील साहब है, वकील साहब है ये। हाँ, रहने वाले बेवर के हैं ये। नाम इनका राघव चंदेल है, इनका नाम राधा यादव, महिला कांस्टेबल है ये, हमारी धर्म पत्नी है। इनका ये चल रहा है शुरुआत से ही, शादी के बाद पहले चल रहा है, शादी के बाद चल रहा है। मैं उनको लगातार रोकता समझाता था कि आप ऐसा मत करिए, जो आपने पहले किया किया, कोई बात नहीं, अब आप फेस रहिए। लेकिन नहीं रही, मैं ज्यादा रोका दोनों उठा के फैमिली पर। चलिए आप इनसे, हम कह रहा हूँ आप हमारे साथ रहिए या हमें छोड़ दीजिए। कपड़े चेंज कर लें? बिल्कुल नहीं, कपड़े तो चेंज कर लो। इधर करो, कौन में जाके जगह इधर बैठ दे भैया। आप लोग चले जाओ थोड़ा बाहर, कपड़े नहीं तो बीवी को मुझसे कहना। इधर आ जाओ। नहीं, मेरी तो बीवी मुझसे कह रही हूँ कपड़े चेंज करो, मैं देख रहा हूँ। वैसे भी कुछ मुझे देखने का, आ जाओ। जब शादी तब ने उसने तो दिखाया तो आपका फायदा। आओ वकील महोदय, बहुत दिन से तुम मौज ले रहे हो दूसरों के साथ। कहाँ घर पड़ता है? बेवर में? बेवर के रहने वाले नहीं है। चलो चलो, कहाँ रहने वाले हो? यही सब को। अच्छा, रोकना है इनको, आओ ताला मार दो। चलो हो गई आपकी फोटोग्राफी। महिला सिपाही को अधिवक्ता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। महिला सिपाही का लंबे समय से चल रहा है अपने पति से तलाक का मुकदमा। बुधवार को कानपुर के पुलिस लाइन स्थित बने सरकारी क्वार्टर में एक महिला कांस्टेबल और अधिवक्ता के रंगरेलिया मनाने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। हालांकि दोनों के बालिग होने के कारण पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। वहीं महिला कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही परिवार परामर्श केंद्र में तैनात थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई महिला कांस्टेबल का पति भी आरपीएफ में ही तैनात है। इंस्पेक्टर कोतवाली सूर्यबलि पांडे ने बताया कि महिला सिपाही का अपने पति से काफी समय से तलाक का मुकदमा चल रहा है। इंस्पेक्टर कोतवाली ने आगे बताया कि पकड़ी गई महिला कांस्टेबल दूसरे युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। वहीं कंट्रोल रूम की सूचना पर पीआरवी दोनों को थाने ले आई थी। इसके बाद कोई शिकायत न होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। महिला सिपाही के खिलाफ पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए उच्च अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई की संतुति हेतु पत्र लिखा गया है। बैठा दो तो हम बता। हाँ, आप लेके आइए इनको। किसको? इनको हम लेकर नहीं आएंगे भैया, मैं लेकर नहीं आऊँगा इनको, आप लेकर जाइए। अपने भाई बैठाइए आप। दरोगा जी के साथ आइए। हेलो दरोगा जी, लेके आना इनको, ले लेना साथ में। चौकी खाने थाना।